हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना राय होममेकर। फ्रेंड्स, मुझे काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं छोटे बच्चों का लहंगा बनाने बताऊं, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं 9 से 10 साल तक की बच्ची के लिए बहुत ही खूबसूरत लहंगा बनाने का फुल ट्यूटोरियल। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस पसंद आती हैं और आप उसे खरीदना चाहते हैं, तो आप इंस्टा से मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस खरीद सकते हैं। इसके लिए आप इंस्टा पर मुझसे चैट कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप ऑर्डर पर मुझसे किसी भी टाइप की ड्रेस बनवाना चाहें, तो इसके लिए भी आप इंस्टा पर मुझसे चैट कर सकती हैं। मैं आपके लिए आपकी मनपसंद ड्रेस डिजाइन कर दूंगी। तो फिर चलिए हम लहंगा बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये साड़ी है और ये मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है। ये 2.5 मीटर लाइनिंग का कपड़ा है और साड़ी में से ये लेस हमको निकाल देनी है और उसकी जगह ये लेस मैं इसमें अटैच करूंगी। ये देखिए, तो हम किसी भी टाइप की चौड़ी या पतली लेस ले सकते हैं। तो लगभग 8 मीटर लेस ये इस टाइप की हम ले लेंगे तो हमारे लहंगे में हो जाएगा। और ये साड़ी कैसी है सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये साड़ी इस तरह से है। आंचल वाला पार्ट है और इसमें थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी की हुई है और बाकी की साड़ी हमारी इस तरह से है। इसमें बीच बीच में कहीं कहीं सीक्वेंस टाइप लगे हुए हैं और नीचे बॉर्डर दी हुई है। और ये इस तरफ इसका प्लेन पार्ट है जो टक करने के लिए होता है। तो सबसे पहले इस साड़ी में से जितनी भी बॉर्डर दी हुई है, अगर ये खोलने लायक है तो हम इसको खोल कर निकाल लेंगे, और अगर ये खोलने लायक नहीं है तो 1/2 इंच का डिस्टेंस रखते हुए हम पूरी बॉर्डर पहले कट करके अलग कर लेंगे। तो ये पूरी साड़ी में से बॉर्डर मैंने निकाल दी है, ये देखिए, और ये पूरी साड़ी इस तरह से हो गई है। और अब हम क्या करेंगे कि इधर से ये जो आंचल वाला पार्ट है इसमें पूरा एम्ब्रॉयडरी की हुई है नीचे की तरफ, और ऊपर भी बहुत सारा सीक्वेंस वाला वर्क दिया हुआ है। तो इस आंचल वाले पार्ट को हम कट करके अलग कर लेंगे और इस साइड ये जो प्लेन पार्ट दिया हुआ है इस प्लेन पार्ट को भी हम कट करके अलग कर देंगे। तो ये आंचल वाला पार्ट और ये दूसरी साइड से प्लेन वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट मैंने कट कर लिए हैं। और ये दोनों लगभग 1-1 मीटर फैब्रिक है, तो टोटल 2 मीटर फैब्रिक मैंने साड़ी में से कट कर लिया। और इस कपड़े को मिलाकर हम डिजाइनर दुपट्टा तैयार कर लेंगे लहंगे के लिए। तो इसको भी हम साइड में रख दे रहे हैं। और ये साड़ी लगभग हमारी 3.5 मीटर 3.5 मीटर की बची है। और इस साड़ी को पहले हम लंबाई की तरफ से फोल्ड करेंगे, जैसे हम साड़ी फोल्ड करते हैं सेम उसी टाइप से। ये देखिए, ये एक बार हो गया और फिर एक बार और, इसको मैंने 2 बार फोल्ड कर लिया, 2 टाइम्स। और फिर हम इसको ऐसे बराबर से रख लेंगे। और अब ये 4 लेयर कपड़ा हो गया है। ये देखिए, 1, 2 और 2 लेयर ये है, 3, 4, और इधर से ये खुला है और इस तरफ से कपड़ा हमारा बंद है। तो इधर बंद वाले पार्ट की तरफ से एक कॉर्नर पकड़कर हम इसको ऐसे ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। और अब ये 8 लेयर कपड़ा हो गया। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो ये लहंगा बच्ची का है और बच्ची की कमर 27 है। तो फ्रेंड्स, हम जितनी भी कमर का लहंगा बना रहे हैं उसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये कपड़ा 8 लेयर है। जितनी भी लेयर कपड़े की होती है हम कमर के साइज को उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको हम इंची टेप से भी डिवाइड कर सकते हैं। हम इंची टेप में देखेंगे कि वो निशान कहाँ पर है जितनी भी कमर का हम लहंगा बना रहे हैं। तो ये लहंगा 27 इंच कमर का बन रहा है, तो 27 पर हम टेप के दूसरे सिरे को रखेंगे। ये देखिए, ये एक बार और इसको मैंने 2 बार फोल्ड किया। और ये देखिए, 1, 2, 3, 4, ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। और इसको जब हम एक बार और फोल्ड करेंगे तो 4 इधर हो गया और 4 इधर हो गया, और ये 8 पार्ट में डिवाइड हो गया 27। और इसको हम ऐसे प्रेशर से दबाएंगे और जब हम इसको खोलेंगे तो ये टेप पहली बार जहां पर फोल्ड हुआ है, ये देखिए, ये वही 27 का 4th पार्ट है। और ये 3.3 इंच पर पहली बार फोल्ड हुआ है, तो इसको हम 3.5 इंच भी मान सकते हैं। और 1/2 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड कर लेंगे जिससे हमारी ये कमर का साइज चौड़ा आ जाएगा, तो यहाँ भी हल्की हल्की फ्रिल हम बना सकते हैं, तो बहुत प्यारा लुक आएगा लहंगे में। तो 4 इंच नाप कर ये देखिए, जहां पर भी इस तरह से बराबर आ जाए वहां पर हम ऐसे निशान लगा लेंगे। ये हो गया इस तरह से। और अब यहाँ से नीचे की तरफ हम लहंगे की लेंथ लेंगे, जितनी भी लंबा हमको लहंगा बनाना है, और ऊपर की तरफ हमारे लहंगे में 2 इंच की बेल्ट अटैच होगी। तो 2 इंच मैं टेप को, ये देखिए, ऊपर की तरफ छोड़ दे रही हूँ यहाँ पर इस तरह। और उसके बाद हम अपने लहंगे की टोटल लेंथ ले लेंगे, जितना भी लंबा लहंगा चाहिए। तो ये लहंगा 35 इंच लेंथ का बनेगा और 1 इंच इसमें मार्जिन ऐड करके 36 इंच हो गया। तो 36 इंच पर हम एक निशान ऐसे लगा देंगे,
ये हो गया, और फिर इस टेप को हम यहां से उठाएंगे और यहाँ कॉर्नर पर रखेंगे और फिर नापेंगे ये जो निशान मैंने लगाया था वो कितने इंच पर आ रहा है। तो ये 39.5 इंच पर ये निशान आ रहा है। तो हम टेप को ऊपर की तरफ से ऐसे पकड़े रहेंगे और नीचे से हम टेप को ऐसे सरकाएंगे और 39.5 इंच पर इस तरह से हम निशान लगाते जाएंगे। ऊपर से हमको टेप को नहीं हिलने देना है, बस यहां से नीचे से ऐसे टेप को सरका सरका कर 39.5 इंच पर हम पूरा उस कॉर्नर तक निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए 39.5 इंच नाप कर मैंने पूरा इस कॉर्नर तक निशान लगा लिया है। और अब इस निशान पर और इस ऊपर वाले निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग और ये वाली कटिंग मैंने कर ली है और ये लहंगा हमारा कट गया है और इसमें कितना सारा घेर आया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये लहंगा है और इसका घेर देखिए, बहुत सारा घेर इस लहंगे में आ गया है। ये पूरा सर्कुलर लहंगा हमारा कट हो गया है और ये डबल लेयर है और इसमें हमको कपड़ा भी ज्वाइंट नहीं करना पड़ा। और अब इस लहंगे के लिए हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये 2.5 मीटर लाइनिंग का कपड़ा है और इस कपड़े को हम लंबाई की तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर हम इसको ऐसे बराबर से रख लेंगे। और अब ये 2 लेयर कपड़ा हो गया, ये देखिए 1 2, और इधर से ये खुला है और इस तरफ से ये बंद है। तो इधर बंद वाले पार्ट की तरफ से एक कॉर्नर पकड़कर इसको भी हम ऐसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। अब ये 4 लेयर कपड़ा हो गया, ये देखिए 1 2, और 2 लेयर ये है 3 4, और यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो इस बार कपड़े की लेयर 4 है तो हम कमर के साइज को 4 से डिवाइड करेंगे। मेन फैब्रिक में कपड़े की लेयर 8 थी तो हमने कमर के साइज को 8 से डिवाइड किया। तो जितना भी कपड़े का लेयर होता है कमर के साइज को उतने से ही डिवाइड करते हैं। तो इसको भी हम इंची टेप से ही डिवाइड करेंगे। हम इंची टेप में देखेंगे कि वो निशान कहाँ पर है जितनी भी कमर का लहंगा बन रहा है। तो ये देखिए 27 इंच कमर का ये लहंगा बन रहा है। इस निशान पर हम टेप के दूसरे सिरे को रखेंगे, ये एक बार और एक बार, और इसको मैंने 2 बार फोल्ड किया। और ये देखिए 1 2 3 4, ये 27 फोर्थ पार्ट में डिवाइड हो गया। और फिर उसी तरह हम इसको ऐसे प्रेशर से दबाएंगे और जब हम खोलेंगे तो ये टेप पहली बार जहां पर फोल्ड हुआ है वो 27 का फोर्थ पार्ट है। तो ये देखिए ये 6.7 इंच के लगभग ये पहली बार फोल्ड हुआ है। और इसको हम इस तरह से ऐसे नापेंगे, जहां पर भी ये ऐसे बराबर आ जाए बस वहीं पर हमको ऐसे निशान लगा लेना है। तो ये निशान मैंने लगा लिया और अब यहाँ से हम लहंगे की लेंथ लेंगे और 2 इंच हमारे लहंगे में बेल्ट अटैच होगी। तो ये देखिए 2 इंच मैंने टेप को ऊपर की तरफ छोड़ दिया और उसके बाद हम अपने लहंगे की टोटल लेंथ ले लेंगे। तो ये लहंगा 35 इंच लेंथ का बन रहा है। हम इसमें मार्जिन ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइनिंग का कपड़ा है, ये थोड़ा छोटा ही सही रहता है। तो 35 इंच पर ही हम एक निशान ऐसे लगा लेंगे और फिर हम इस टेप को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ कॉर्नर पर रखेंगे और फिर नापेंगे कि ये निशान कितने इंच पर आ रहा है। तो ये निशान 42 इंच पर आ रहा है। तो फिर उसी तरह हम टेप को ऊपर से नहीं हिलने देंगे, नीचे से हम टेप को ऐसे सरकाएंगे और 42 इंच नाप नाप कर पूरा उस कॉर्नर तक हम निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए 42 इंच नाप कर मैंने पूरा इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक निशान लगा लिया है। और अब इस निशान पर और इस निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग और ये वाली कटिंग मैंने कर ली है और यह देखिए यहाँ नीचे के साइड ये थोड़ा सा कपड़ा हमारा कम पड़ गया है तो इसमें हम छोटा सा टुकड़ा कपड़े का अटैच कर लेंगे। तो इस कपड़े को ये देखिए जहां से ये छोटा है यहीं पर हम ऐसे फिंगर रखेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। जितना कपड़ा बड़ा था उतना कपड़ा हमने ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड कर दिया है और ये जो कपड़े का टुकड़ा कट कर निकला है इस टुकड़े में से हम कटिंग कर लेंगे। तो इस टुकड़े को हम इसके नीचे ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर ऐसे डालते हुए जो हमारा सिलाई में चला जाएगा इस तरह से। फिर इसको हम इसके ऊपर ऐसे खोल लेंगे और बस इसके किनारों पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग मैंने कर ली है और ये देखिए ये कपड़े का टुकड़ा हमारा कटकर निकल आया है और इस टुकड़े को हम इसी समय इसमें पिनअप कर लेंगे। पहले इधर से कर लेंगे और फिर एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये पकड़कर इसमें पिनअप कर लेंगे और सेम इसी तरह से इस दूसरे वाले टुकड़े को इस साइड पलटकर हम इधर पिनअप कर लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने पहले यहां से पिनअप कर लिया, फिर इधर पिनअप कर लिया और फिर पलटकर टुकड़े को इधर भी पिनअप कर लिया। और अब इसको मैं खोलकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारी
लाइनिंग, अम्ब्रेला लाइनिंग की कटिंग हो गई है और जहां पर हमने पिनअप किया है यहाँ पर हम सिलाई चला लेंगे। तो इसको मैंने जहां पर पिनअप किया था सिलाई चला ली है और ये लाइनिंग का फैब्रिक हमारा रेडी हो गया है। और अब इस मेन फैब्रिक को, ये देखिए, ये जो मैंने मेन फैब्रिक कट किया था इसको हम इस तरह रखेंगे, इस तरह, और इसके ऊपर ये दूसरा वाला पार्ट इस तरह से, ये दोनों सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रखते हुए, और एक साइड से हम इसको अटैच कर देंगे और एक साइड से अभी हम इसको ओपन रहने देंगे। तो इसको मैंने एक साइड से सिलाई कर दी है और एक साइड से ये ओपन है और ये देखिए ये इस तरह से हमारा रेडी हो गया है। और ये कमर वाले पोर्शन पर हाफ इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए सिलाई मशीन की लेंथ चौड़ी करके पूरा यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई चला लेंगे, फिर धागे को खींचकर हम इसमें हल्की हल्की फ्रिल बनाएंगे। तो ये सिलाई मशीन की लेंथ है, ये अभी 3 पर है और इसको घुमाकर मैं 4 पर कर दूंगी और अब ये फुल लेंथ हो गई। और बस हाफ इंच का डिस्टेंस रखते हुए हमको ऐसे सिलाई चलाते जाना है। तो ये सिलाई मैंने चला दी है और अब इधर ये देखिए, ये जो साइड से दो धागे निकले रहते हैं, एक धागा ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, इन दोनों धागों में से हम कोई सा भी एक धागा पकड़ेंगे इस तरह और इसको खींचेंगे और कपड़े को ऐसे सरकाते जाएंगे। तो ये देखिए कितनी प्यारी हमारी फ्रिल बनती जा रही है। तो इस तरह धागे को खींचकर और कपड़े को सरकाकर हम बहुत हल्की हल्की फ्रिल बना लेंगे। धागे को खींचकर ये देखिए ये मैंने फ्रिल बना ली है और इस फ्रिल की लेंथ हमको कमर के अकॉर्डिंग रखनी होती है। जितनी भी कमर है उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके हम उतनी ही लेंथ इसकी रखेंगे। तो ये लहंगा 27 इंच कमर का बन रहा है, तो इसकी लेंथ मैंने 28 इंच रखी है, ये देखिए। और उसके बाद अभी हम इसको ऐसे साइड में कर देंगे और ये लाइनिंग का कपड़ा जो मैंने रेडी करके रखा है, इस लाइनिंग के कपड़े को हम इस तरह रख लेंगे। ये कमर वाला पोर्शन है, इसको ऊपर की तरफ रखेंगे और उसके ऊपर ये मेन फैब्रिक जो मैंने अभी रेडी किया है इसके ऊपर हम इसको रखेंगे और ये कमर वाला पोर्शन दोनों आपस में मिलाते हुए इस तरह यहां से यहां तक, फिर इस पर हम सिलाई चला देंगे जिससे ये दोनों कपड़े आपस में अटैच हो जाएं। तो इस पर मैंने सिलाई कर ली है और ये देखिए दोनों कपड़े आपस में अटैच हो गए हैं। और अब इसके लिए हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने बेल्ट की कटिंग कर ली है और इस बेल्ट की विड्थ मैंने लगभग 6 इंच रखी है, क्योंकि जब हम इसको ऐसे फोल्ड करके सिलेंगे तो ये लगभग 2 इंच की बेल्ट हमारी रेडी हो जाएगी। और इस बेल्ट की लेंथ हमको जितने भी कमर का लहंगा बनाना है उससे 2 इंच या 1.5 इंच हम बढ़ा कर रखेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी लेंथ 29 इंच रखी है, क्योंकि बेल्ट को दोनों तरफ से हमको फोल्ड करके सिलना भी होगा और इसके साइज के बराबर हम मेन फैब्रिक भी कट कर लेंगे। ये देखिए इसी के साइज के बराबर मैंने कट किया है और इसके इसके ऊपर रख के इसके चारों कॉर्नर्स पर हम सिलाई चला देंगे जिससे ये दोनों फैब्रिक आपस में अटैच हो जाए। और फिर इस लहंगे को हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से और ऊपर से लगभग 6 इंच कपड़ा हम छोड़ देंगे जिप लगाने के लिए। उसके बाद ये दोनों कपड़े हम अलग अलग अटैच कर लेंगे। तो ये लगभग 6 इंच कपड़ा ये देखिए मैंने ऊपर की तरफ छोड़ दिया है। उसके बाद ये चारों कपड़े, ये 1, 2, 3, 4 और लगभग 1 इंच तक हम सबको एक साथ सिलेंगे। और उसके बाद ये लाइनिंग का कपड़ा नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से भी हम हटा देंगे और केवल मेन फैब्रिक ये दोनों हम ऐसे पकड़ेंगे और इसको नीचे तक हम अलग अटैच कर देंगे। तो इसको मैंने नीचे तक सिलाई कर ली है और अब हम फिर यहीं से सिलाई करना शुरू करेंगे। और इस बार इस मेन फैब्रिक को हम ऐसे अंदर कर देंगे और ये लाइनिंग का कपड़ा हम ऐसे बाहर की तरफ निकालेंगे और लाइनिंग के कपड़े को हम अलग नीचे तक अटैच कर लेंगे। इसको भी मैंने नीचे तक सिल दिया है और ये देखिए ये लाइनिंग का कपड़ा अलग और ये मेन फैब्रिक हमारा दोनों अलग अलग अटैच हो गए हैं। और अब इस लाइनिंग के कपड़े को हम नीचे की तरफ से एक बार ऐसे और एक बार ऐसे फोल्ड करके पूरे घेर में सिलाई कर देंगे और अगर चाहें तो पिको भी कर सकते हैं। और इस मेन फैब्रिक को भी नीचे की तरफ से हम एक बार ऐसे और एक बार ऐसे फोल्ड करके पूरे घेर में सिलाई कर देंगे और अगर चाहें तो पिको कर दें और अगर हम चाहें तो सिलाई करने के बाद फिर इस पर लेस भी अटैच कर सकते हैं। और ये जो कपड़ा मैंने 6 इंच छोड़ा था जिप लगाने के लिए, इसमें हम जिप लगाएंगे। तो ये देखिए ये जिप है और ये रनर है, इसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस जिप को इसमें ऐसे अंदर की तरफ हम रख लेंगे और उसके बाद इस कपड़े को हम थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस जिप के ऊपर ऐसे रखेंगे और इसको जगह जगह से पिनअप कर देंगे। और फिर इस साइड वाला कपड़ा भी सेम इसी तरह से हम ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे जिप पर रख लेंगे और फिर यहाँ से ऐसे
ऐसे, और यहाँ तक हम इस पर सिलाई चला लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने फोल्ड करके पिनअप कर दिया है और इसके अंदर जिप है, और बस अब इसके किनारों पर ऐसे हमको सिलाई चलाना है। तो हम इस तरह पिंस निकाल देंगे और इसके किनारों पर हम सिलाई चलाते जाएंगे। तो ये सिलाई मैंने चला दी है और ये देखिए, ये जिप हमारी इस तरह से लग गई है। तो ये जिप लग गई है और ऊपर की तरफ ये जो एक्स्ट्रा जिप है इसको हम इस तरह से कट कर देंगे। और अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो ये बेल्ट है और इसके किनारों पर मैंने सिलाई चला दी है। ये देखिए, ये दोनों फैब्रिक आपस में अटैच हो गए हैं और ये बेल्ट का सीधा पार्ट है। इसको हम ऐसे पलट लेंगे और साइड से एक बार ऐसे और एक बार ऐसे फोल्ड करके इस पर हम सिलाई कर लेंगे। और सेम इसी तरह इस कॉर्नर पर भी हम ऐसे फोल्ड करके पहले सिलाई कर लेंगे। तो इसको साइड से मैंने सिल दिया है, इस कॉर्नर पर भी और इस तरफ भी। और फिर इस बेल्ट को हम उल्टा कर लेंगे। ये बेल्ट का उल्टा साइड है और ये लहंगे का सीधा साइड है। उसके बाद एक कॉर्नर से हम इस बेल्ट को ऐसे पकड़ेंगे लहंगे में और इसको पूरा इसमें इधर से पूरा इस साइड तक पहले बेल्ट अटैच कर लेंगे। तो इस पर मैंने सिलाई चला दी है आगे से पीछे तक। और ये देखिए, इस तरह से ये बेल्ट इसमें अटैच हो गई है। और अब इसको हम ऊपर से ऐसे फोल्ड करेंगे और नीचे से थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके इस तरह से इसको हम पिनअप कर देंगे और फिर उसके बाद फिर हम इस पर सिलाई चलाएंगे। तो इसको मैंने पिनअप कर दिया है, ये देखिए, आगे से पूरा पीछे तक। और बस अब इसके कॉर्नर्स पर हम सिलाई चलाते जाएंगे और ये जो पिंस लगी हैं इसको हम ऐसे निकाल देंगे और इसके किनारों पर हमको बस ऐसे सिलाई चलाते जाना है। तो इसके किनारों पर मैंने सिलाई चला दी है और ये बेल्ट आगे से पीछे तक रेडी हो गई है। और साइड में इसमें मैंने जिप भी अटैच कर दी है। और अब इसमें हम डोरी और लटकन बनाकर लगा लेंगे और यहाँ पर हम एक हुक भी लगा सकते हैं। और नीचे के साइड में मैंने मोड़कर सिलाई कर दी है और इसके ऊपर हम किसी भी टाइप की लेस, पतली या मोटी, इस पर अटैच कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो इसका लुक और भी प्यारा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये लहंगा बनकर रेडी हो गया है। इसके किनारे मैंने लेस अटैच कर दी है और डोरी और लटकन भी बनाकर लगा दिए हैं और मैचिंग दुपट्टा और चोली भी मैंने रेडी कर दी है। और साड़ी में जो प्लेन पार्ट था टक करने वाला, उससे फ्रिल बनाकर मैंने दुपट्टे के चारों तरफ लगा दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये लहंगा बनाने की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस पसंद आती हैं और आप ऑर्डर पर मुझसे किसी भी टाइप की ड्रेस डिजाइन करवाना चाहती हैं तो इसके लिए आप इंस्टा पर मुझसे चैट कर सकती हैं। मैं आपके लिए ड्रेस डिजाइन कर दूंगी और आप इंस्टा से मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस अपने लिए खरीद भी सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में और भी प्यारी प्यारी डिजाइनर ड्रेसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।